Why Sting versus The Undertaker is never happened in WWE? Sting versus The Undertaker का मैच हमें प्रोफेशनल रसलिंग यानी कि WWE कंपनी में देखने को क्यों नहीं मिला? बिकॉज एक वक्त था जब ये मैच बनने के चांसेस काफी ज्यादा थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मैच नहीं बना पाया। कुछ रीजंस थे एंड कुछ मेन टॉपिक्स थे, हेडलाइंस थे, बहुत सी चीज़ें थी जिसने इस मैच को, एक लेजेंडरी मैच को बनने से रोका। आज उन्हीं तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। प्लीज़ सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE। यार देखिए, स्टिंग वर्सेस द अंडरटेकर एक ऐसा मैच है जो कि वंस इन अ लाइफ टाइम मैच था, और अगर ये मैच आपको WWE कंपनी में देखने को मिल जाता तो भाई साहब उसकी बात ही अलग होती। बिकॉज एक वक्त था, क्योंकि अगर ये मैच भाई साहब हो जाता ना तो वो तमाम चीजें हो जानी चाहिए जिसके लिए कर रहे थे भाई, क्योंकि ये भाई साहब ये उन मैचों में ये एक ऐसा लेजेंडरी मैच था जिसके लिए सब वेट कर रहे थे। भाई साहब द अंडरटेकर वर्सेस द आइकॉन द स्टिंग, द स्टिंगर स्प्लैश, भाई साहब द डेड मैन वर्सेस स्टिंग। यार कितने नाम है यार, कितने नाम ले इनके, लेकिन ये वो मैच है भाई साहब जिसने एक लेजेंडरी फॉर्म अपनाया हुआ था। लेकिन आई थिंक WWE कंपनी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि वो उन मैचेस की हाइप बनाता है जो वो कभी करवा नहीं सकता। जैसे कि आप रिसेंटली देख रहे हैं कि रोमन रिंग्स वर्सेस द रॉक की एक हाइप बनी हुई है, लेकिन मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो, ये मैच नहीं होने वाला इस साल, तो ये मैच नहीं होने वाला। तो अंडरटेकर वर्सेस स्टिंग दूसरा मैच, लेजेंडरी मैच, अलग कैसे है? देखिए दोस्तों, ये एक वो मैच है जिसने WCW वर्सेस WWE के बीच में एक ऐसा तनाव पैदा कर दिया था उस समय, बिकॉज आप उसको भूल नहीं पाते। बिकॉज एक समय था जब WCW कंपनी भाई साहब WWE कंपनी को टक्कर दे रही थी पूरी तरह से, यानी कि वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग, वो WCW की फुल फॉर्म है, और WWE की फुल फॉर्म आपको पता ही है, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। उस समय भाई साहब WWE कंपनी जो है एक ऐसे चुनौती का सामना कर रही थी जिससे वो कभी भी बर्खास्त हो सकती थी, खराब हो सकती थी। और WCW कंपनी आपको पता ही है, वहां पर द बिल गोल्डबर्ग था, द आइकॉन स्टिंग, हॉल्क होगन, रिक फ्लेयर, एंड आपको पता ही होगा भाई साहब, एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग द ब्रेट द हिटमैन हार्ट, वो भी WWE कंपनी को छोड़कर WCW कंपनी में चला गया था उस वक्त। और देखा जाए तो भाई साहब ये तमाम कंपनियां रहती थी जो WWE कंपनी को तोड़ रही थी, WWE कंपनी के पीछे पड़ी हुई थी कि हमने WWE कंपनी को खत्म करना है किसी भी तरह से। और WCW कंपनी वही कंपनी जिसने WWE कंपनी को उस समय हराया था जब किसी को भी अंदाजा नहीं था। लेकिन आपको पता ही है भाई साहब, WWE कंपनी कहां चुप करने वाली थी। विंस मैकमैन एक ऐसा बंदा है जो कि हमेशा से ही दूसरों को खत्म करना चाहता है अपने फायदे के लिए। मतलब गलत बात नहीं है, वो एक ऐसा कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। मतलब देखा जाए, दो बिजनेसमैन होते हैं, वो दोनों कभी दोस्त नहीं बन सकते, बिकॉज एक का बिजनेस ऊपर, एक का बिजनेस डाउन, तो दोनों के लेवल में मेंटेनेंस चलता ही रहता है। तो सेम कंडीशन थी WWE कंपनी वर्सेस WCW। अब देखिए, उस समय चीजें इतनी सही नहीं चल रही थी, लेकिन द अंडरटेकर वर्सेस स्टिंग अपने आप में दोनों एक आइकॉन थे। और अगर आप दोनों को मेजरमेंट के रूप में देखेंगे, दोनों की हाइट सेम है, दोनों का एक तरह से फिजिक भी सेम ही है, और दोनों ही एक तरह से हॉरोफाइक करेक्टर है, मतलब कि एक भूतिया करेक्टर है। स्टिंग का तो पता ही आपको, एक मुंह पे स्केच सा बना के आते हैं, और द अंडरटेकर पता है डेडमैन, कितने गिमिक है उस बंदे के। सो चीजें वहां होती जब अंडरटेकर की स्ट्रीक एंड हो गई थी, जब ब्रॉक लेसनर ने रेसलमेनिया 30 के अंदर अंडरटेकर को हरा दिया था, एंड उसके बाद लग रहा था कहीं ना कहीं द अंडरटेकर रिटायर हो जाएंगे। लेकिन भाई साहब उसके बाद होता गया, स्टिंग का रिटर्न होता है, मतलब डेब्यू होता है WWE कंपनी में सर्वाइवर सीरीज 2014 में। और आपको याद होगा भाई साहब, वो चीज़ें वो याद होगा, वो सारी तमाम चीज़ें भाई साहब किस तरह चल रही थी। द अंडरटेकर वॉज इज स्टिंग, उस समय ये हाइप इतनी बन चुकी थी, लेकिन ये मैच हुआ नहीं बिकॉज स्टिंग एक अलग डायरेक्शन में चले गए थे। और द अंडरटेकर का तो आपको पता ही है, उनकी स्ट्रीक एंड हो चुकी थी, लेकिन ब्रे वायट ने जिस तरह से अंडरटेकर को प्रवोक किया और असम या 31 के अंदर उनसे मैच लिया था, एंड स्टिंग की राइवलरी ट्रिपल एस से चली थी, और जहां टीम अथॉरिटी वजी टीम सीना का मैच चल रहा था सर्वाइवर सीरीज के अंदर, वहीं से ट्रिपल एच वो स्टिंग की राइवलरी कंटिन्यू थी असम या 31 के लिए, वहां इनका मैच हुआ था। तो ये चीज़ें आपको पता ही, कहीं ना कहीं अलग हो चुकी थी। द अंडरटेकर विद स्ट्रिंग का मैच लोग चाह रहे थे कि रेसलमेनिया 31 के अंदर हो, इन लीवर स्टेडियम, आपको याद होगा सैन फ्रांसिस्को में हुई थी वो रेसलमेनिया 2015 में।
लेकिन उस वक्त ये मैच नहीं हो पाया। अब लोगों ने उम्मीदें छोड़ दी थी कि स्टिंग कभी भी रिटर्न करेंगे, बिकॉज स्टिंग एक ही मैच के लिए डब्ल्यू कंपनी में आए थे और जो उन्होंने ट्रिपल एच के साथ लड़ लिया था। लेकिन अब आगे का क्या देखिए दोस्तों, आगे का ये था कि भाई जब स्टिंग का कोई आता पता नहीं है, बिकॉज रसलमेनिया 31 के अंदर द अंडरटेकर ट्रिपल एच से स्टिंग हार गए थे एंड उसके बाद वो मैच कमाल का था भाई साहब आप बताना, बिकॉज डीएक्स और WCW कंपनी की यानी हल्क होगन वो सारा जो NWA करेक्टर था सारा का सारा भाई साहब उस रसलमेनिया के अंदर आ गया था। तो वहीं से चीज़ें काफ़ी मज़ेदार हो गई थी। लेकिन हमारा जो एक मेन ड्रीम मैच था द अंडरटेकर विद स्टिंग वो नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ी, रसलमेनिया 31 के बाद और हाइप बढ़ी इस मैच की कि ये मैच फ्यूचर में हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्टिंग का रिटर्न दोबारा हुआ और इस बार उन्होंने सेथ रॉलिंस को अपना टारगेट बनाया था एंड फॉर द WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच इनका नाइट ऑफ चैंपियंस में होता। नाइट ऑफ चैंपियंस 2015 वो इवेंट था जहाँ पर स्टिंग वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच में एक मैच हुआ था फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप एंड उस मैच में स्टिंग हार गए थे बिकॉज स्टिंग को लेग इंजरी हो गई थी और आप समझ सकते हैं कि वो इंजरी कितनी खतरनाक थी। एंड स्टिंग का वो एक आखिरी मैच था, बिकॉज स्टिंग की अगर मैं आपको बैक स्टेज इंसिडेंट बताऊँ उस मैच के बाद ट्रिपल एच ने स्टिंग को साफ कह दिया था कि तू भाई तो घर चला जा तेरे बस का नहीं है, मतलब तेरे बस का नहीं ऐसा नहीं कि तू इंजर्ड हो चुका है तेरी उम्र ज़्यादा हो चुकी है। तो स्टिंग को कहीं ना कहीं वो बात चुभ गई और 2015 में स्टिंग को जब ये कहा गया कि भाई साहब स्टिंग तू अब और नहीं लड़ पाएगा तू अब और नहीं लड़ सकता और उसके बाद हमने देखा हुआ स्टिंग अगले साल 2016 में रसलमेनिया 32 के आसपास जो हॉल ऑफ फेमर हुआ था वहाँ पर स्टिंग को हॉल ऑफ फेम इंडक्ट किया गया था, मेन हेडलाइन बने थे वो एंड उसके बाद उनका WWE करियर ज़्यादा लंबा चला नहीं, दो ही मैचेस हुए थे उन्होंने खेले थे और दोनों ही मैच वो हार गए थे। और दी अंडरटेकर आपको पता ही है अंडरटेकर हर साल आते रहे रसलमेनिया में, लेकिन फाइनली दी अंडरटेकर रिटायर हो चुका है। लेकिन अंडरटेकर वर्सेस स्टिंग का मैच एक ड्रीम मैच था जो कि रसलमेनिया 31 के लिए प्लान था, इवन रसलमेनिया 32 के लिए भी ये प्लान था। आपको बताऊँ मैं स्टिंग जो प्लानिंग में आपको बताऊँ नाइट ऑफ चैंपियंस का इवेंट और नाइट ऑफ चैंपियंस 2015 में सेथ रॉलिंस डिफेंड कर रहा था अपना टाइटल अगेंस्ट स्टिंग और उस मैच का रिजल्ट मैं आपको बताऊं तो उस मैच में सेथ रॉलिंस से जीतता लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन से, बिकॉज उस मैच में केन आपको याद होगा केन का इंटरप्शन हुआ था मैच के बाद और उन्होंने सेथ रॉलिंस पर अटैक किया था, बिकॉज आपको पता ही होगा उस समय राइवलरी ब्रॉक और सेथ रॉलिंस की चलती थी एंड उसके बाद भाई साहब ब्रॉक ने सेथ रॉलिंस और केन दोनों को पेला था एंड उसके बाद सेथ रॉलिंस ने जो है केन की टांग में लात मारी थी एंड ये चीज़ें कहीं ना कहीं इतनी सर्कुलेट हो गई थी भाई साहब कि इनके बीच में एक मैच की नौबत आ गई थी। लेकिन उसके बाद नाइट ऑफ चैंपियंस में जिस तरह से स्टिंग को इंजर्ड किया गया उसके बाद केन का रिटर्न हुआ, पहले प्लान ये थे कि स्टिंग इस मैच को हारेगा लेकिन पिनफॉल के थ्रू नहीं डिस्क्वालिफिकेशन के थ्रू, बिकॉज केन आके इंटरप्ट कर देगा और मैच को ख़त्म कर देगा। उसके बाद स्टिंग रसलमेनिया 32 के अंदर द अंडरटेकर के साथ मैच लड़ते ऐसा प्लानिंग थी WWE कंपनी की, लेकिन आप जानते ही हैं सब बदल गया, स्टिंग इंजर्ड हो गए एंड उसके बाद तो आप जानते हैं भाई साहब कि जो चीज़ एक बार हो जाए वो बदली नहीं जा सकती। एंड द अंडरटेकर वर्सेस स्टिंग हमेशा से एक ऐसा मैच था जो कि सब देखना चाहते थे एंड ये मैच होते होते रह गया आप समझ सकते हो। फिर एक बार हुआ 2017 में भी ऐसी नौबत आई थी कि इनके बीच मैच के प्लानिंग थे, बिकॉज अगर आप सोचते हैं कि कोई हॉल ऑफ फेमर बन जाता उसके बाद वो रिटर्न नहीं कर सकता तो आप गलत है। गोल्डबर्ग ने हॉल ऑफ फेम के बाद मैच लड़ा है, कर्ट एंगल ने तो हॉल ऑफ फेम के बाद ही करियर शुरू किया था, रेमी स्टोर भी मैच लड़ता है, सो ऐसा नहीं है एज को देख लीजिए आप। सो ये वो नहीं है कि हॉल ऑफ फेम बन गए तो भाई साहब रिटायर हो चुके आप मैच नहीं खेल सकते। लेकिन अब की बात करें भाई साहब कि अंडरटेकर रिटायर हो चुके हैं, स्टिंग का एक आखिरी मैच है वो AEW कंपनी के अंदर रेवोल्यूशन के अंदर होने वाला है उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन देखा जाए अंडरटेकर वर्सेस स्टिंग एक ऐसा मैच था जो कि अगर हो जाता तो भाई साहब वन ऑफ द बेस्ट थिंग होती और हम सब फैंस को एक ऐसा ड्रीम मैच देखने को मिलता कि हम उसके बारे में कह नहीं सकते थे। रिसेंटली अंडरटेकर एक इंटरव्यू में आया था, उन्होंने कहा भी कि स्टिंग के साथ उनका एक मैच हो सकता था बिकॉज एक आखिरी मैच वो चाहते थे और आई थिंक कहीं ना कहीं एक रिटायरमेंट मैच होता अंडरटेकर के लिए, मतलब अगर स्टिंग के साथ वो फेस टू फेस होते या मैच लड़ते तो अंडरटेकर ने इच्छा भी जताई थी कि उनको स्टिंग के साथ एक मैच लड़ना है। लेकिन भाई साहब स्टिंग उस समय AEW कंपनी के अंदर थे, लेकिन हाँ एक बात तो कन्फर्म होती है अगर स्टिंग WWE कंपनी के अंदर होते तो वो अंडरटेकर वर्सेस स्टिंग ये मैच कब का हो जाता, आप सबको इतना वेट करने की नौबत ना होती और ये मैच आपको कब का देखने को मिल जाता। अनफॉर्चुनेटली चीज़ें नहीं हुई, चीज़ें उस हिसाब से नहीं चली, बढ़ा अगर ये मैच होता तो क्या बात होती यार। सो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ सब्सक्राइब करें द कल्ट ऑफ रेसलिंग को फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE। जय माता दी, जय श्री राधे कृष्ण, मिलते हैं आपसे कल।